तो जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वसमिका, अगली सर्वसमिकाओं के हल करने का, और उनके हम छोटे सवाल देखेंगे ताकि आपको ये सर्वसमिकाएं समझ में आ जाए, उसके बाद आप बड़े सवाल कर ले। तो सबसे पहली समिका है ए धन बी की पूरे की घात 3। तो ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3 ए का वर्ग बी धन 3 ए बी का वर्ग, ये है पहली। और दूसरी हमारी ए ऋण बी पूरे की घात 3 बराबर ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 ऋण 3 ए का वर्ग बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये है। तब आते हैं हम सवाल की ओर। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि ए की घात 3 का मान हमें सर्वसमिका का उपयोग करके निकालना है। तो सबसे पहले परीक्षा में आप कैसे हल करेंगे हल? तो 11 को हम क्या लिख सकते बेटा? तो 11 को हम लिखेंगे 10 धन 1। हमेशा इसे 10 के विभाजित होने वाली संख्याओं में करना तो आपका आसानी होगा। जब तीन संख्याओं के आ जाए तो उसको 100 के मल्टीपल में करना है, तो आपको इजी पड़ेगा इसके मानकर। अभी हम आप शुरुआत में सीख रहे हैं इसलिए हम ये करेंगे छोटा टुकड़ों में। तो जहाँ पे अब हमारा ए का मान क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक। और बी का मान आ गया हमारे पास क्या? 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? सर्वसमिका का प्रयोग करने पर अब हमारी सर्वसमिका कौन सी लेंगे? प्लस वाली। तो क्या है? ए धन बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये है हमारी सर्वसमिका उपयोग। अब इसका मान निकालेंगे, अब इसमें मान रख देंगे। तो क्या है हमारे पास? a क्या है? 10 प्लस b क्या है? 1 की पावर 3। अब a की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 प्लस 3 × 10 की पावर 2 × 1 प्लस 3 × 10 × 1 की पावर 2। लिख लिया इस प्रकार से, ये तो आप सीख ही गए होंगे पिछले वीडियो के हिसाब से। अब आते हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व किया तो बेटा 10 की घात 3 क्या होगा? तो सिंपल है, 1 लिख दो, उसके बाद घात 3 है ना, तो 3 0 लगा दो, इजी है, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना। धन 1 की घात 3 मतलब 1 धन 3, पहले इसको कर लेंगे 3 का वर्ग 100 है ना, और 100 में 3 का वर्ग 300, में 1 गुणा कर तो 300 धन 3, 10 का वर्ग 30 और 1 का वर्ग किया तो 1 है नहीं 30, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब इनको जोड़ लेंगे, 30 और 300, 330 और 1 331 और 1,000 1331, 1331 ये आ गया हमारा आंसर। और आप सब जानते हैं कि 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक सवाल और करें यहीं पर, चलो एक सवाल इसका ही करते हैं। और तो क्वेश्चन है हमारा यही करेंगे हम, 12 का, 12 का क्यूब ज्ञात करो, यही सर्वसमिका का उपयोग करके सिंपल। अब हम डायरेक्ट करेंगे, जहाँ पे इसको हम करेंगे तो ए क्या निकलेगा हमारा? 10, और बी क्या निकलेगा हमारा? 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 10 धन 2 का घात 3 बराबर 10 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 × 10 की घात 2 × 2 धन 3 × 10 × 2 की घात 2, ये हमने मान रखा, ठीक। अब इनको क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे इजीली सिंपल। तो इसको सॉल्व किया अपन ने, 10 की घात 3 मतलब 1,000, 2 की घात 3 मतलब 8 धन,
10 की घात 2 मतलब 100 गुणित 300 और 2 600 आ गया 600 धन 3 गुणित 10 30 और 2 की घात 4 कितने 120 कैसे हुआ 30 और 4 30 में 4 का गुणा किया तो 120 ऐसे आया। नहीं तो वरना कहाँ से ले आया सर जी तुम। अब इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, इसको इसमें जोड़ो और इसमें जोड़ो, कितना होगा 600 और 1600, 1600 में 120 जोड़ा तो 1720 और 8 1728 यह गया आंसर इसका इजीली। आप जोड़ के बच्चों देख लेना सही आएगा। ठीक है बच्चों, एकदम शॉर्टकट किया है ये सवाल। आप ये बड़े सवाल के हिसाब से करिएगा और ऐसे आप बड़े से बड़ा सवाल कर लेंगे इससे संबंधित। ठीक है, चलते हैं हम अगले अगले सर्वसमिका के सवाल की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल है कि 9 की घात 3 का मान सर्वसमिका का उपयोग करके निकालना है। वैसे आप सब जानते हैं कि 9 का क्यूब क्या होता है, जल्दी फटाफट से बताइए। सब जानते हैं 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आंसर सर्वसमिका का उपयोग करने पर कितना आंसर 729 आएगा था हम सही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 9 को लिखते हैं हम 10 ऋण 1। क्या लिखते हैं? 10 ऋण 1। अब क्या करेंगे? सर्वसमिका अप्लाई करेंगे। तो सर्वसमिका का प्रयोग करने पर, सर्वसमिका कौन सी? ये वाली। तो लिखेंगे 1 - b होल क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² ये सर्वसमिका है। अब क्या करेंगे? ये अब इसमें क्या a बन गया हमारा 10, b बन गया 1, तो a बराबर 10 और b बराबर 1 रखने पर। ठीक, आप मान रखेंगे तो 10 ऋण 1 की घात 3 बराबर 10 की घात 3 ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणित 10 की घात 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 10 गुणित 1 की घात 2 लिख दिया है हमने। अब क्या करेंगे? इन्हें इनके मान निकालेंगे। 10 की घात 3 मतलब 1000 ऋण 1 ऋण 10 में 300 हो गए, इसका मान निकालेंगे तो ये 300 धन इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो आ गया 30। ठीक है बच्चों, इसको और सॉल्व करते हैं हम। रुकिए जरा, हमारा कुत्ता चिल्ला रहा है, इसको भगा के आते हैं। तो बच्चों क्या होगा? अब क्या होता है? सबसे पहले बोडमास का नियम आपको पता होगा। बोडमास में क्या करते हैं? पहले प्लस प्लस को जोड़ते हैं फिर माइनस माइनस करते हैं। तो 1030 क्या हो जाएगा? 1030 हो जाएगा। फिर ऋण ऋण 1 और ऋण 30 कितना आ जाएगा? 301। और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आंसर क्या बचेगा? इसमें से इसका घटाएंगे तो आएगा 729। अब घटा के देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा, नहीं विश्वास हो तो आप करिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, आई होप आपको